अच्छा हम पढ़ेंगे टीयर्स ऑफ पेनिस, ठीक है। अब बच्चा जैसे सपोज कीजिए कि ये यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है, और यहाँ पे इस यूबी के बेस पे यानी यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक, और इसके नीचे यहाँ पे कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक, और ये वाला पार्ट पूरा यूरेथ्रा कहलाएगा, ये वाला पार्ट पूरा यूरेथ्रा कहलाएगा, ठीक है, ये यूरेथ्रा कहलाएगा, ये वाला पार्ट हो गया आपका कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ऊपर वाला प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये वाला हिस्सा बच्चा पूरा पेनिस कहलाएगा, ये वाला हिस्सा ग्लांस पेनिस कहलाएगा, इसके बाद बच्चा इस ग्लांस पेनिस पे फोरस्किन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये ग्लांस पेनिस के ऊपर फोरस्किन या इसी को हम लोगों ने बोला था प्रिप्यूस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है, ठीक, ये पूरा पेनाइल यूरेथ्रा होगा, ये मेम्ब्रेनस होगा, ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा होगा, ठीक है, और इधर कहीं पे अब ये हमने तिरछे डायग्राम बनाया है तो इधर कहीं पे क्या होगा, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड होगा, यानी यहाँ कहीं पे सेम इसी तरह इधर भी साइड होगा, यानी यहाँ कहीं पे सेमिनल वेसाइकल होगा। अब बच्चा हम क्या करेंगे, हम इस पेनिस को कट करेंगे और कट करके टीयर्स ऑफ पेनिस देखेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसे कट करेंगे, कट करेंगे, कट करके टीयर्स ऑफ पेनिस देखेंगे, ठीक है। जब टीयर्स ऑफ पेनिस देखेंगे तो हमें पता है बच्चा पेनिस जो कि सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, यानी ये हमें सर्कुलर शेप में दिखने को मिलेगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा, ये टीयर्स ऑफ पेनिस हम बना रहे हैं, अब बच्चा इसमें होता क्या है, पीछे की तरफ ये जो दो मैंने बनाया है, ये वाला दो, इन दोनों को बोला जाता है कॉर्पोरा कैवरनोसा। अच्छा ये जो कॉर्पोरा कैवरनोसा है ये दो दिख रहे हैं तो हमने लिख दिया कि दो है, ये पीछे की साइड होते हैं और ये वाला ऊपर की साइड होता है, जैसे ये दोनों पीछे हो गए और ये वाला ऊपर की तरफ होता है, तो ये दोनों पीछे के होते हैं, तो पीछे के लिए डॉर्सो लेटरल वर्ड यूज़ किया जाता है, तो टू डॉर्सो लेटरल किसके बने होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल इरेक्टाइल टिश्यू के, लॉन्गिट्यूडिनल इरेक्टाइल टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। उसी तरह बच्चा जो एक सिंगल जो आगे की तरफ होता है, ये दोनों तो पीछे क्यों हो गए, तो इसलिए मैंने लिखा टू डॉर्सो लेटरल किससे बने हैं, लॉन्गिट्यूडनल इरेक्टाइल टिश्यू से बने हैं, और इनका नाम हमने क्या रखा, कॉर्पोरा कैवरनोसा। उसी तरह बच्चा जो आगे वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जिओसम, ठीक है। अच्छा ये आगे की तरफ है और सिंगल है तो हम लिख सकते हैं ये सिंगल है और आगे की तरफ है तो एंटीरियर लिख सकते हैं या वेंट्रल वर्ड यूज कर सकते हैं, वेंट्रल हो सकते हैं, क्या है ये भी लॉन्गिट्यूडनल इरेक्टाइल टिश्यू ही होते हैं, तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल इरेक्टाइल टिश्यू है, ठीक है। अब बच्चा हमें जो दिखने को मिल रहा है
कि इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, ये वाला पार्ट यूरेथ्रल ओपनिंग कहलाएगा, क्योंकि पूरा तो यूरेथ्रा है, तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग कहलाएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग कहलाएगा। तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग हमें इधर कहाँ दिखने को मिलेगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा में दिखने को मिलेगा या कॉर्पस स्पॉन्जिओसम में दिखने को मिलेगा। तो जो बच्चा यूरेथ्रल ओपनिंग होता है वो हमें हमेशा कॉर्पस स्पॉन्जिओसम में दिखने को मिलता है, क्योंकि ये वेंट्रल होता है, एंटीरियल होता है, आगे की तरफ होता है, जबकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये दो होते हैं और पीछे की साइड होते हैं, ठीक है। तो हमें यूरेथ्रल ओपनिंग जो दिखने को मिलेगा वो यूरेथ्रल ओपनिंग हमें कॉर्पस स्पॉन्जिओसम के अंदर दिखने को मिलेगा, यानी ये रहा यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। अब बच्चा इसमें क्या होता है, इसमें हाई लेवल ऑफ ब्लड सप्लाई होते हैं, ठीक है, इनमें ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स होते हैं जिन्हें हम साइनसेस बोलते हैं, यानी इसके अंदर ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चा, इन्हें बोलते हैं साइनसेस, और ये होते क्या हैं, ये वही ब्लड वेसल्स होते हैं, क्या काम होता है हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब बच्चा क्या होता है, चाहे कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो चाहे कॉर्पस स्पॉन्जिओसम हो, ये दो होते हैं, ये एक होते हैं, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वाइट फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू की सीट होती है, जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी हमें देखने को यहाँ मिलेगा, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कॉर्पोरा स्पॉन्जिओसम को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइट फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू होगा, इधर भी होगा, इसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, सेम उसी तरह इसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। क्या होता है ये वाइट फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू होता है, काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम होता है, तो प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चा अब हम देखेंगे हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है बच्चा, पॉइंट लिखता हूँ, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, होता क्या है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या अराउजल भी हम इसे बोल सकते हैं, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलो या अराउजल बोलो, बात एक ही है, अराउजल। क्या होता है भाई, द ब्लड सप्लाई ऑफ पेनिस इज इंक्रीजेस ड्यू टू सिग्नलिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड NO, और ये नाइट्रस ऑक्साइड एक तरह का बच्चा सेकेंडरी मैसेंजर होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या अराउजल, मेल में क्या होता है, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या अराउजल होता है, उस टाइम पे बच्चा क्या होता है कि पेनिस के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है वो बढ़ जाता है, किसके वजह से बढ़ता है, तो ड्यू टू सिग्नलिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। अब अच्छा बच्चा इसके वजह से होता क्या है, जब कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी या अराउजल होता है तो मेल में पेनिस के अंदर ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है, किसके वजह से बढ़ता है, नाइट्रस ऑक्साइड के सिग्नलिंग की वजह से बढ़ता है। इसके वजह से होता है क्या बच्चा, इसके वजह से डायलेशन ऑफ पेनिस हो जाता है, क्या होता है, डायलेशन ऑफ पेनिस हो जाता है। फिर क्या होता है भाई, ब्लड रसेस इन पेनिस, फिर क्या होता है भाई, प्रोवाइड हार्डनेस या रिजिडिटी इन पेनिस, ठीक है। और ये जो हार्डनेस या रिजिडिटी इन पेनिस में होता है, इसी चीज़ को बच्चा बोला जाता है,
इसी चीज़ को बोला जाता है कॉल्ड, यानी इसी चीज़ को बोला जाता है इरेक्शन ऑफ पेनिस। और ये जो इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है ये किसके कंट्रोल में होता है, तो आर अंडर कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पेथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हमने क्या पढ़ा, जब कभी भी मेल के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स या जब कभी भी अराउजल होता है तो उस टाइम क्या होता है, मेल के पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। ब्लड सप्लाई इसलिए बढ़ता है क्योंकि सिग्नलिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसके वजह से डाइलेशन हो जाता है पेनिस में। ब्लड रसेस इन पेनिस, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ ब्लड फ्लो होने लगता है पेनिस में, जिसके वजह से हार्डनेस या रिजिडिटी इन पेनिस हो जाता है। इसी हार्डनेस या रिजिडिटी ऑफ पेनिस को बोला जाता है इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्या बोला जाता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। और ये जो इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है ये किसके कंट्रोल में होता है, पैरासिम्पेथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। ठीक है,